हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है ऐप टेक्नोलॉजी इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आप यूट्यूब पे जो भी सर्च करते हैं या जो भी आप देखते हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी सर्च हिस्ट्री है या वॉच हिस्ट्री है, उसको आप किस तरह से डिलीट करेंगे, ठीक है, इस पे आज हम बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अगर डिलीट नहीं करना चाहते हैं बार बार तो उसको आप पॉज कर सकते हैं, चाहे वो सर्च हिस्ट्री हो या आपकी वॉच हिस्ट्री हो, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं इसमें आपको ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपका जो भी यूट्यूब के ऊपर एक्टिविटी है आप उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें हैं वीडियो के अंदर, आप बिल्कुल आप बड़े ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया है वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में आपको ये गूगल के ऊपर ये है, इस पर क्लिक कर देना है सबसे पहले। उसके बाद आप जो ये आपका यहाँ पे इस आइकन होगा इस पर क्लिक करके हिस्ट्री पे चेक करेंगे तो हिस्ट्री ये वो हिस्ट्री है जो अभी आप इसमें आप जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जो भी आपने वीडियो देखा होगा उसकी हिस्ट्री इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये जो कुछ देखा हुआ है उसको अगर मैं चाहूँ तो सिंगल सिंगल भी ये जो थ्री डॉट्स हैं इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ सिंगल वीडियो भी। फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है रिमूव योर वॉच हिस्ट्री, तो अगर आप सिंगल या दो चार पाँच वीडियो अगर डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से सिंगल सिंगल आप इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा वीडियो जितने भी आपने सर्च किया है या जितना भी आपने देखा सारा डिलीट करना चाहते हैं तो उसका अलग प्रोसीजर है, ये है उसके लिए जो अगर सिंगल सिंगल वीडियो एक दो चार वीडियो आप डिलीट करना चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको करना है जो पहला वाला रिमूव फ्रॉम वॉच हिस्ट्री, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो फर्स्ट वाला वीडियो है वो डिलीट हो जाएगा। फिर दूसरा करना चाहते हैं तो यहाँ पर थ्री डॉट तीन डॉट बना हुआ उस पर क्लिक करेंगे तो यही ऑप्शन आएगा रिमूव का, सेव का, सेव प्लेलिस्ट का और डाउनलोड वीडियो या शेयर, तो आपको रिमूव यहीं से आसानी से कर सकते हैं। शेयर करना तो शेयर भी कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारे वीडियो देखा है या बहुत सारी चीज़ सर्च किया आपने तो उसके लिए एक दूसरा तरीका, उस तरीके से आप अपने हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊँ कि जो सर्च हिस्ट्री है वो कहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन दिखा रहा सर्च का इस पर क्लिक करेंगे आप सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए जो जो भी सर्च कर आपने किया होगा इस तरह से शो करेगा, इसमें जितना भी सर्च का होगा ये जो सर्कल बना हुआ है इस तरह से दिखा देगा कि बहुत सारा सर्च हुआ है, ठीक है। तो इसको भी अगर आप डिलीट करना चाहते हैं कि तो उसको भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे आपका आइकन आपका बना होता है चैनल का, उस पर क्लिक करके आपको ये जो सेटिंग का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है सबसे पहले आपको, उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा हिस्ट्री एंड प्राइवेसी, इस पर आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। अब इसके अलावा इसमें देखिए जब नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा क्लियर वॉच हिस्ट्री, क्लियर सर्च हिस्ट्री, तो इन दोनों को आपको डिलीट करना है। वो कैसे करना मैं आपको बताऊंगा, बट इसके अंदर आपको कुछ और चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूं जो कि है पॉज वॉच हिस्ट्री, पॉज सर्च हिस्ट्री, ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वॉच हिस्ट्री है जो भी आप देखते हैं या जो भी आप सर्च करते हैं वो जो है वो यूट्यूब के पास ना जाए तो आपको यहीं से पॉज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो भी क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपका, ठीक है। इसके अलावा मैनेज ऑल एक्टिविटीज, ये क्या होता है इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। बाकी ये ब्लॉग कॉन्टैक्ट है, यूट्यूब टर्म एंड सर्विसेज है, ये भी आप देख सकते हैं, बट मेजरली इसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे वॉच हिस्ट्री, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये देखिए आप, हमने ये क्लियर वॉच हिस्ट्री पे क्लिक किया है तो ये कह रहा है क्लियर वॉच हिस्ट्री, तो हमें क्या करना है क्लियर वॉच हिस्ट्री ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे हम सबसे पहले। उसके बाद जैसे हम क्लियर वॉच हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे जितना भी आपने यूट्यूब पे वॉच किया है, जो भी वीडियो देखा है, वो सब डिलीट हो जाएगा आपके हिस्ट्री से, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए वॉच हिस्ट्री क्लियर हो चुकी है। इस तरह से हम ये जो अब हम सर्च हिस्ट्री करेंगे क्लियर, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे क्लियर ये जो सर्च हिस्ट्री इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने ये पॉपअप आएगा तो ये क्लियर सर्च हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे हम, और जैसे क्लियर सर्च हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे क्लियर करेंगे तो जो भी आपने यूट्यूब पे सर्च किया होगा वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ ये डिलीट हो जाता है ये हिस्ट्री, ठीक है फ्रेंड्स, ये सर्च हिस्ट्री हो गई आपकी। अब हम फ्रेंड्स बात कर लेंगे इनकी,
पॉज वॉच हिस्ट्री और पॉज सर्च हिस्ट्री। अगर आप चाहते हैं कि आप जितने भी वीडियो सर्च करें या जितने वीडियो देखें यूट्यूब के ऊपर और उसकी कोई भी हिस्ट्री क्रिएट ना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको पॉज कर देना है वॉच हिस्ट्री को भी और सर्च हिस्ट्री को, ठीक है फ्रेंड्स। वो कैसे करेंगे मैं बता दे रहा हूँ, आपको ये दोनों इनेबल कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से आसानी से आपका क्लियर वॉच हिस्ट्री और सर्च वॉच हिस्ट्री आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं और पॉज भी कर सकते हैं। अभी मैनेज ऑल एक्टिविटीज़ के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं मैनेज ऑल एक्टिविटी की। तो सबसे पहले आपका यूट्यूब के ऊपर आप ये जो देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया है, क्लिक करके आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है और ये जो ऑप्शन है मैनेज ऑल एक्टिविटीज़ पे क्लिक कर देना आपको, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आएंगे, उसके बाद हिस्ट्री एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देंगे। अब ये ऑप्शन आ गया मैनेज ऑल एक्टिविटी का, ठीक है फ्रेंड्स। आपको इसमें सिंपली क्लिक कर लेना है इसके ऊपर। फ्रेंड्स इसमें देखिए, इसमें क्या आ गया, माई एक्टिविटी आ गया, यूट्यूब हिस्ट्री आ गया। तो मैंने जो अभी आपको तरीका बताया, एक तरीका बताया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो भी वो फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये दूसरा तरीका ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर, देखिए ये कह रहा है कि आपका YouTube हिस्ट्री इज ऑन, जो जो आपने YouTube के ऊपर एक्टिविटी करते हैं वो सब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जो 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 भी आपका एक्टिविटी होगी वो यहीं शो करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है कि ये जो माई एक्टिविटी लिखा है, ये जो थ्री लाइन्स है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा डिलीट एक्टिविटी बाई, ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब आपके सामने आएगा डिलीट योर डिलीट यूट्यूब एक्टिविटी का जो ऑप्शन आ गया आपके सामने। ऑप्शन है लास्ट आर, मतलब पिछले घंटे में जो भी सर्च किया आपने या जो भी एक्टिविटी किया है या जो वीडियो आपने देखा है, फिर लास्ट दिन पिछले, मतलब पिछले दिन का है या ऑल टाइम का है, ये कस्टम रेंज है, मतलब अपने हिसाब से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप ऑल टाइम का करेंगे तो ऑल टाइम कर सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर मुझे ऑल टाइम का करना है तो मैं ऑल टाइम का करूँगा, मतलब जितना भी आज तक मैंने यूट्यूब पर कुछ सर्च किया है या जितना भी मैंने वीडियो देखा है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, या मेरा जो जो एक्टिविटी है वो सब डिलीट हो जाए, तो इसके लिए मैं ये ऑल टाइम पे क्लिक करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। मान के चलिए मैंने ऑल टाइम पे ये मैं सिलेक्ट कर लिया, मुझे सारा डाटा डिलीट करना है या जो भी एक्टिविटी है, जो भी मैंने कुछ सर्च किया है या कुछ कोई वीडियो देखा है, वो सब कुछ मुझे हटाना है, तो मैं ऑल टाइम पे क्लिक करूँगा, ऑल टाइम। अब मेरे पास ये एक ऑप्शन आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास एक ऑप्शन आ गया यहाँ पर डिलीट का, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, डिलीट पे और कैंसिल का ऑप्शन है, तो मैं डिलीट पे क्लिक कर दूँगा सबसे पहले। अभी डिलीट पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, ये जो आपके सामने ऑप्शन हो गया, इसके बाद मेरे पास आएगा गॉट इट का ऑप्शन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कन्फर्म यू वुड लाइक टू डिलीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, मतलब ये कह रहा है कि एक बार कन्फर्म करिए, जो भी आपने यूट्यूब पर किया और डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यस करना है, ठीक है। यस मीन्स ये डिलीट पर क्लिक कर देना आप। अब उसके बाद ये ऑप्शन आ गया डिलीट कम्प्लीशन, मीन्स आपका ये जो भी एक्टिविटी था वो डिलीट हो चुका है, अब आपको गॉट इट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स आप इस तरह से आसानी से आपका जो भी डेट आपका एक्टिविटी होगा वो सब डिलीट आसानी से हो जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो आई थिंक ये जो मैंने दो तरीके बताए हैं आपको, दोनों तरीके से आप जो भी आपको ईजी लगता है कर सकते हैं आप, ठीक है फ्रेंड्स। ईजी रहेगा, जो फर्स्ट वाला मैंने थोड़ा ईजी है इसलिए मैंने आपको बता दिया पहले, ताकि आपको आसानी से आप समझ सकें इसको, ठीक है। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो वीडियो अभी देख रहे हैं आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अच्छा लगता है तो बिल्कुल इसको लाइक करके शेयर ज़रूर करिए। मेरा जो ये चैनल है इसको आप बिल्कुल सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और जिन लोगों को लगता है कि वीडियो में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए ये वीडियो, ठीक है। बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उन सब पे आप शेयर ज़रूर करिए ये। अगर आप एक सिंगल शेयर भी करते हैं तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा मेरे चैनल के ग्रो होने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।